वेलकम टू लक्स डी आई डी डबल्स लाइमलाइट। हर एक जोड़ी को एक हफ्ते में दो एक्ट्स तैयार करने होते हैं। सभी हफ्ते भर इन्हीं दो ट्रैक्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस हफ्ते शुक्रवार को डबल्स मैक्स मानिक के परफॉर्मेंस के बाद क्या हुआ? सम प्रॉब्लम, एट बार्स की शुरू के एट बार्स में प्रॉब्लम थी। फ्राइडे वाले एपिसोड में हमारे साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, हमारा म्यूजिक ही चेंज हो गया था, ट्रैक गलत प्ले हुआ था, पर स्टेज को कोई गलती नहीं पता, स्टेज कोई गलती नहीं देखता और स्टेज माफ नहीं करता। जो स्टेज पे है वो है, वो छूट गया। जो कल के एपिसोड में जो थोड़े बहुत पंगे हो गए थे म्यूजिक की वजह से, वो उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट रहा। बट मैं भी नया हूँ तो मुझे भी पता नहीं था कि साउंड रोक सकते हैं। अगर आपको लगे बिगिनिंग में लगे कुछ ऐसा हो गया कि इमीडिएटली आप कट कर दीजिए, साउंड रोकने का मौका नहीं मिला और उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा कल। बाद में नहीं आया, बाद में तो हमने बाद में बाहर पहले के बाद तो पूरा पर एक बाद में आने के लिए वो चीज आ जाती है ना, एक वो आ गया था, ब्लॉक आ गया था कि यार खराब हो गया। उसके एंडिंग तक हमारा जहाँ से हमने पकड़ा बार के ऊपर से, वहाँ से उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया, बट उससे पहले जब स्टार्टिंग में झटका मिल गया तो एकदम स्टेबिलिटी समझ ही नहीं आई कि अब ये हो क्या गया। लेट्स सी, अब हो गया है, अब ये भी पक्का है कि हमें कसौटी पे जाना ही है। अपने आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ये सब हम मतलब मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क कितना किया हुआ है। फिर उसके बाद आप ये देखो ना, ये बार्स पूरी पूरी रात कर रहे हैं काम। मैक्स मानिक के साथ फ्राइडे एपिसोड में जो हुआ और टेक्निकल खराबी या जो भी हो, उनके हिसाब से उनका ट्रैक सही प्ले नहीं हुआ तो उनको डिफ़िकल्टी आई। लेकिन जैसे गीता माँ ने कहा, उनका आगे का सेक्शन वही प्ले हो रहा था तो उन्हें परफॉर्म करना चाहिए था, जो वो लोग थोड़ा सा सिंक में प्रॉब्लम हो गया। मानिक और मैक्स ट्रैक में गड़बड़ ज़रूर थी, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने कवर अप किया था वो इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन उनके उसके वजह से उनको जाना पड़ा डेंजर जोन में। अगर फ्राइडे वाला मिस हैपनिंग नहीं हुई होती, वो ट्रैक गलत नहीं प्ले हुआ होता तो हम यहीं होते। इसके बाद तो ऑब्वियस हो गया, बड़म वापस आई है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं।